मी टू एंगेज आवर मनोज गोयल जी। आई रिक्वेस्टेड हिम एट 3 o'clock। ही सेड राजेश जी वेरी लेस टाइम बट स्टिल इफ दिस सच ए सिचुएशन आई एम ऑलवेज रेडी फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर एंड ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन एंड फॉर दिस आई एम ऑल्सो वंस अगेन थैंक यू सर, थैंकफुल टू यू सर एंड ओवर टू यू सर। Thank you so much, Rajesh sir. And as I said, it is always an honor to be amongst such learned participants. And Pusa Road Study Circle is one amongst them. So I am always ready with whatever little I know on the subject. So with this, sir, let us begin today's discussion. So I think in the beginning, sir, you had sent me a couple of queries. Yes, boss. Yes, boss. Applying manpower in India to a US, sorry, a company supplying manpower in India to a US based company on cost plus service charges. Separate bills raised for reimbursement of salary and service charges in US dollars. Will it be taxable under GST? So I think this question has two different components. वन टॉक्स अबाउट कि क्या अगर मैं कोई भी सर्विस फॉरगेट अबाउट कि ये सर्विस किसी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी को दी जा रही है उनके बिहाफ पे इंडिया में, हम इसको क्वेरी को दो हिस्सों में बांटते हैं। नंबर वन, जो सप्लायर है सर्विसेज का वो दो अलग अलग इनवॉइसेस रेज कर रहा है, एक वो डोमेस्टिक सॉरी एक वो अपनी जो रिम्बर्समेंट ऑफ सैलरी है जिन लोगों को उसने एम्प्लॉय किया हुआ है उनकी सैलरी का एक्चुअल रिइंबर्समेंट अलग से चार्ज करता है और फिर अपने सर्विस चार्जेस अलग से बिल करता है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए 100 रुपए की सैलरी है और 10 रुपए उसके अपने सर्विस चार्जेस हैं, तो 110 रुपए चार्ज हुए, तो क्या ये 110 रुपए टैक्सेबल होंगे या ये 100 टैक्सेबल नहीं होंगे, सिर्फ 10 रुपए टैक्सेबल होंगे? तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। सी, जो प्योर एजेंट है जीएसटी लॉ में कोई भी सप्लाई करने पे जो कंसिडरेशन है उसकी डेफिनेशन कही गई है कि एवरीथिंग विच यू चार्ज एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज टैक्सेबल एज टैक्सेबल वैल्यू विद ओनली वन एक्सेप्शन दैट इन केस यू आर चार्जिंग समथिंग एज अ प्योर एजेंट देन दैट अमाउंट कैन बी टेकन आउट ऑफ द वैल्यू ऑन विच जीएसटी हैज टू बी चार्ज्ड। सो इन दिस केस वी हैव टू फर्स्ट सी कि जो 100 रुपए की सैलरी आप अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं क्या वो सब्जेक्ट टू प्योर एजेंट है, जो प्योर एजेंट की डेफिनेशन है उसको क्वालिफाई करती है या नहीं करती है। तो इस फिट बैठता है एडवांस रूलिंग में साउथ इंडिया के किसी हॉस्पिटल की एडवांस रूलिंग थी जिसमें ये कहा गया था कि एक लेडी है जिन्होंने हाउसकीपिंग स्टाफ रखा हुआ था अपने रोल पे और वो हॉस्पिटल को हाउसकीपिंग की सर्विसेज देती थी। सारा जितने भी लोग एम्प्लॉयड थे वो सब उनका सिलेक्शन हॉस्पिटल करता था, उनकी सैलरी भी हॉस्पिटल ही डिसाइड करता था, लेकिन रूल ये था कि वो लोग रोल पे आएंगे उस लेडी के और वो अपना इनवॉइस रेज करेंगी अलॉन्ग विद हर सर्विस चार्जेस एक्चुअल रिइंबर्समेंट ऑफ सैलरी का। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था अथॉरिटी से कि क्या सिर्फ रिम्बर्समेंट को माइनस करके रिमेनिंग जो वैल्यू है उस पे टैक्स लगना चाहिए या फुल वैल्यू पे लगना चाहिए। तो अथॉरिटी ने ब्यूटीफुली इस बात को एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि वो एम्प्लॉयज आपके रोल पे हैं और उन लोगों का जितना भी रिस्क कनेक्टेड है तो वो सारा कंसिडरेशन जो आप उन लोगों को पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सर्विस प्रोविजन। आप खाली सर्विस चार्जेस के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, जो सैलरी आप पेमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को दैट यू आर पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ योर ओन कंपनी। ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू दीज एम्प्लॉयज आर पर्टेनिंग टू यू। प्योर एजेंट तब होता है जब रिस्क और रिवॉर्ड रेसिपियंट का होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जनरली एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी के सीए हैं
उन्होंने आपको कहा कि आप मेरे बिहाफ पे आरओसी में इसकी फीस जमा कर दो और आप उसका मेरे से बाद में रिइंबर्समेंट ले लेना, तो ये प्योर एजेंट है क्योंकि लाइबिलिटी टू पे वॉज विद दी रेसिपियंट। लाइकवाइज अगर आपने किसी का इनकम टैक्स जमा करा दिया और उससे रिइंबर्समेंट ले लिया, दैट इज अगेन द लाइबिलिटी ऑफ द रेसिपियंट, यू आर जस्ट फैसिलिटेटिंग। बट इफ एन एम्प्लॉई इज वर्किंग ऑन द रोल्स ऑफ योर कंपनी एज अ सर्विस प्रोवाइडर, देन यू कैनॉट से दैट आई एम मेकिंग दिस पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विस रेसिपियंट। देन बाई ऑल मीन्स दिस इज अ सर्विस इंक्लूसिव ऑफ द कॉस्ट दैट यू आर इंकरिंग ऑन पेमेंट ऑफ सैलरीज टू योर एम्प्लॉइज। सो इन नटशेल, द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेरी इज रिजॉल्व बाई सेइंग दैट इट इज नॉट ओनली द सर्विस चार्ज ऑन विच द टैक्स विल बी चार्जेबल, रादर ऑन द फुल वैल्यू इंक्लूडिंग द सैलरी पेड टू द स्टाफ, सर्विस टैक्स विल बी चार्जेबल, जीएसटी विल बी चार्जेबल। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड, क्योंकि उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा कि ये जो कंपनी है ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसको यहाँ इंडिया से कॉस्ट प्लस बेसिस पे सप्लाईज दी जा रही हैं, तो क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो सकती है? तो आंसर इज कि हाँ, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो सकती है, प्रोवाइडेड कि जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की 5 कंडीशंस होती हैं वो इसमें पूरी हो। नंबर 1, जो सप्लायर है वो इंडिया में हो, जो इस केस में है, रेसिपियंट इंडिया से बाहर हो, जो मेरे हिसाब से इस केस में है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया से बाहर होनी चाहिए, जो इस केस में है, और जो पैसा रिसीव हो रहा है वो कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, जो इस केस में है, और 5वां और आखिरी कि दोनों कंपनियां आपस में मेयरली एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम एंटिटी नहीं होनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से इस केस में है। तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस हो सकता है, और क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस हो सकता है तो अल्टीमेटली जितना भी टैक्स आप पे करेंगे, टैक्स अप्लाई कर रहे हो। तो जो मेरे को ये क्वेश्चन समझ में आया था उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आंसर किया। पहला कि टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 100% होगी इंक्लूडिंग दी सैलरीज, टैक्सेबल वैल्यू सिर्फ अपना कमीशन या अपना सर्विस चार्ज नहीं हो सकता। दूसरा कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो सकती है और इस वजह से ये 0 रेटेड सप्लाई हो सकती है, और अल्टीमेटली जो भी टैक्स आप पे करेंगे वो आपको रिफंड में वापस मिल सकता है। ये क्वेरी नंबर 1 थी सर। और सेकंड क्वेरी जो है वो बात करती है कि मैंने कोई गुड्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए, नॉट पर्सनल, इनफैक्ट द कंपनीज ओन पर्पस, एक प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड कोई आइटम को मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता हूँ, जो कि कहीं उसका पर्पस सेल करने का नहीं है, अपने लिए ही आप शिफ्ट कर रहे हैं। मैं क्वेरी को पढ़ देता हूँ, ये लिखा हुआ है, वेदर ई वे बिल इज रिक्वायर्ड इन केस शिफ्टिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू अदर प्लेस, ओनरशिप डजंट चेंज, मेरी ही ओनरशिप में एक जगह से दूसरी जगह पे अगर प्लांट हो रही है तो क्या ये इसके लिए ई वे बिल होना चाहिए? द आंसर इज येस, ई वे बिल होना चाहिए, क्योंकि ई वे बिल का कंसर्न ओनरशिप चेंज होने से नहीं है, टैक्सेबल गुड्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जब भी होगी तो रूल 138 के हिसाब से आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी। 50,000 से कम की वैल्यू पे नेचुरली एक एग्जेम्पशन है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर ई वे बिल एग्जेम्प्टेड है। तो अगर आपका प्रोडक्ट इन दोनों में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो मेरी ओपिनियन में आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके साथ ये 2 क्वेरीज हमारी खत्म हो गई हैं। तो अब हम कुछ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, मैं जो आज के टॉपिक पे बात करूंगा अगले 1 घंटा वो बाय द बुक नहीं करूंगा, बट सम प्रैक्टिकल बट रियल टाइम एग्जाम्पल्स जो कि हम सब के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और आने वाले कुछ दिनों में मोर और लेस जो भी लोग जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके सामने ये चीजें आ सकती हैं। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लिमिटेशन पीरियड है, क्योंकि अब जीएसटी 6 साल पुराना हो गया है, 2023 जुलाई में हमने जीएसटी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के 6 साल पूरे कर लिए, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, और मैंने ये कॉमन कंफ्यूजन देखा है कि जीएसटी का लिमिटेशन पीरियड कैसे वर्क करेगा, इन द सेंस कि अगर हम सेक्शन 73 और 74 की बात करें जहां पे डिमांड एंड रिकवरीज का प्रोविजन दिया हुआ है,
और जीएसटी लॉ में ये प्रोविजन दो ही जगह पे है जहां आपसे टैक्सेस डिमांड किए जा सकते हैं, या तो वो सेक्शन 73 और 74 है, और या फिर वो सेक्शन 132 है जहां पे रस्ते में चलती हुई गुड्स को मूवमेंट में रोक के आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी हो उसकी वजह से डिमांड इशू की जा सकती है। प्रोमिनेंटली पूरे जीएसटी एक्ट में दो ही ऐसे सेक्शंस हैं जिनके थ्रू आपसे पैसा या टैक्स डिमांड किया जा सकता है। तो 73, 74 ये दोनों सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें एक टाइम लिमिटेशन है, बट उस टाइम लिमिटेशन को लेके काफी सारा कंफ्यूजन अभी प्रेजेंट टाइम में है। तो पहले ये समझते हैं कि प्रोविजंस हैं क्या। सेक्शन 73 कहता है कि जिस दिन भी एनुअल रिटर्न फाइल की गई है या ड्यू टू बी फाइल्ड है, जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न होती है, उन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। तो अगर आपने मान लीजिए ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2023 और आपने भर दिया रिटर्न 28 दिसंबर को, तो आपकी जो ड्यू डेट, जो आपकी लिमिटेशन पीरियड है, वो 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर को ही फाइल करते हैं तो 31 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर 31 को भी फाइल नहीं करते, लेट फाइल करते हैं, तो 31 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात आती है कि लिमिटेशन कब तक है। तो सेक्शन 73 की लिमिटेशन जो है वो 3 साल की होती है फ्रॉम दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। 73 में 3 साल और 74 में 5 साल। अब अगला पॉइंट है कि ये 3 साल और 5 साल किन किन सिचुएशंस में आते हैं। 73 हम सब जानते हैं जहां पे फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होता है, वहां पे सेक्शन 73 लगती है। यानी कि मैक्सिमम टाइम टू एडजुडिकेट अ पर्टिकुलर केस अंडर सेक्शन 73 कैन बी 3 ईयर्स फ्रॉम दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दी एनुअल रिटर्न। ऑन दी अदर साइड सेक्शन 74 वो है जहां पे या तो फ्रॉड का केस है, विलफुल मिसस्टेटमेंट का केस है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का केस है, तो वहां पे ये टाइम पीरियड बढ़ के 5 साल हो जाता है। ये मैक्सिमम टाइम है जब आपसे पैसा डिमांड किया जा सकता है। लेकिन हमें पता है कि पैसा डिमांड करने से पहले शो कॉज नोटिस इश्यू करना मैंडेटरी होता है। तो लॉ में लिखा हुआ है कि अगर सेक्शन 73 में कोई डिमांड रेज होनी है तो उससे 3 महीने पहले कम से कम आपको शो कॉज नोटिस इश्यू करना पड़ेगा। जिसका मतलब हो गया कि शो कॉज नोटिस इश्यू करने की डेडलाइन क्या हो गई, 2.5 साल। 3 साल तक आपको एडजुडिकेट करना है, यानी कि डिमांड कंफर्म करनी है, और 3 महीने का गैप होना चाहिए मिनिमम आपको शो कॉज नोटिस इश्यू करने का। तो इसका मतलब शो कॉज नोटिस इश्यू करने का अंडर 73 टाइम है 2.5 साल का। सिमिलरली जब 74 का नोटिस इश्यू करना है तो उसके लिए पीरियड होना चाहिए मिनिमम 6 महीने का। तो 5 साल का टोटल लिमिटेशन है, उसमें 6 महीने पहले आपको शो कॉज नोटिस इश्यू करना है। तो टेक्निकली आपको जो शो कॉज इश्यू करना है उसके लिए डेडलाइन क्या होगी, 6 महीने पहले, यानी कि 4.5 साल। तो अब हम आते हैं कि आज सिचुएशन क्या है। जैसे अभी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई 17-18 की ऑडिट अभी हो सकती है क्या। गोयल साहब आपके सिग्नल चले गए, आप प्लीज उसको देखिए, चेक करो। गोयल साहब योर उसकी सिग्नल उसकी हैज गॉन। गोयल साहब जी आपके सर, सिग्नल बीच बीच में जा रहे हैं, अभी 1 मिनट से पहले जा चुके थे, आप उसको रिपीट कर लो। अभी अभी मेरी आवाज ऑडिबल है सर? यस 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 ओके, तो मैं एक बार दोबारा बोलता हूं सर कि हमारी जो एनुअल रिटर्न 17-18 फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट थी वो 5 फरवरी 2020 या 7 फरवरी 2020 थी। तो हमारे पास अगर हम प्लेन लॉ को पढ़ते हैं तो 7 फरवरी 2020 से लेके 3 साल 7 फरवरी 2023 को खत्म हो चुके हैं। तो अगर मैं लॉ को बिल्कुल प्लेनली पढ़ूं तो मेरे पास 17-18 से रिलेटेड सेक्शन 73 का कोई नोटिस आज की डेट में नहीं आ सकता। बट
ऑन द सेम साइड, अगर हम जो एक्सटेंशन हुए हैं उनको एक बार भूल जाएं, तो प्लेन लॉ के हिसाब से क्या था, 7 फरवरी 2023 तक आप एडजुडिकेट कर सकते थे, डिमांड नोटिस इशू कर सकते थे। 7 फरवरी से 3 महीने पहले चले जाइए, तो 7 जनवरी, 7 दिसंबर, 7 नवंबर, इसका मतलब 7 नवंबर 2022 से पहले ही आप ओरिजिनल लॉ के हिसाब से कोई शो कॉज नोटिस इशू कर सकते थे अंडर सेक्शन 73, नवंबर 2022 तक, जिसको बीते हुए आज लगभग 10 महीने हो गए हैं। लेकिन लॉ में चेंज किया गया, नोटिफिकेशंस के थ्रू इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया। पहली बार ये टाइम लिमिट एक्सटेंड करके की गई थी 30 सितंबर, जिसका मतलब था कि आप 30 जून तक सेक्शन 73 का कोई भी शो कॉज नोटिस भेज सकते हैं। फिर इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2023 तक, जिसका मतलब है कि 30 सितंबर 2023 तक 2017-18 से रिलेटेड कोई शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 आ सकता है। तो इसका मतलब है आज की डेट में भी लगभग 25 दिन बचे हुए हैं, कोई भी शो कॉज नोटिस जो सेक्शन 73 में इशू होना हो वो इशू करने के लिए आज भी आपके पास फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड 25 दिन बचे हुए हैं। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के ऑडिट्स चल रहे हैं या बहुत सारे लोगों के ASMT चल रहे हैं, तो उन सब में अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18 इन्वॉल्व है तो बहुत चांसेस हैं कि 30 सितंबर से पहले पहले वो सब नोटिसेस आ जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारा डिस्कशन सेक्शन 73 का कर रहे हैं हम। 74 के लिए अगर बात करें तो 5 साल का पीरियड, 7 फरवरी 2020 से शुरू करेंगे तो 7 फरवरी 2025 तक जाएगा। जितने भी एक्सटेंशन अभी तक दिए हैं इन्होंने, वो सिर्फ 73 के लिए दिए हैं, 74 के लिए अभी कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो 74 की अगर मैं 17-18 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो उसकी डेडलाइन बनती है 7 फरवरी 2025, और क्योंकि उसमें 6 महीने पहले आपको शो कॉज आना जरूरी होता है, तो 18 से रिलेटेड शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है। तो आज भी करीब करीब 8 या 9 महीने बचे हुए हैं जो कि आपको सेक्शन 74 में शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 17-18 से पर्टेनिंग। 17-18 पे हम फोकस इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं कि वो पहला साल था जब ये लॉ इंप्लीमेंट हुआ। बहुत सारे लोगों ने गलतियां की हैं, न्यूमरस गलतियां की हैं, छोटी बड़ी हर तरह की, जानते हुए अनजाने में। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 जब टाइम बार हो जाएगा तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रिलीफ एक आम टैक्स पेयर को मिलेगा। बट आज की डेट में सिर्फ 25 दिन रह गए हैं नोटिस आने की लिमिटेशन, अनलेस कोई फर्दर एक्सटेंशन आए 73 के लिए। लेकिन 74 के लिए अभी भी आप करीब 8-9 महीने दूर हैं, जिसके बाद आपको सेक्शन 74 का भी टेक्निकली कोई शो कॉज नोटिस नहीं आ पाएगा। ऐसे ही डेट एक्सटेंड हुई है 18-19 की भी और 19-20 की भी। तो जो 18-19 के लिए फाइनल डेट है अभी, वो मार्च 2024 तक की है, और 19-20 के लिए जो डेट है वो जून 2024 तक की है। और ये तीनों डेट्स जो हम बात कर रहे हैं ये सेक्शन 73 से पर्टेन करती है। आई होप मैं अपना मैसेज क्लियरली बता पाया। नंबर 1, 73 में 2017-18 का शो कॉज नोटिस आने का अभी टाइम बारिंग सिर्फ 25 दिन दूर है, और इन 25 दिनों में हम ढेर सारे शो कॉज नोटिसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट के पास एक लूप होल हमेशा रहता है कि वो आपको 73 का नोटिस अगर टाइम बार हो भी गया है तो वो 74 में आपको नोटिस दे सकते हैं। बट अगर एक नोटिस 74 में आया है और वो सस्टेन नहीं करता, कि किसी भी रीजन से आप ये प्रूव कर देते हैं कि ये मैटर 74 का है ही नहीं, क्योंकि 74 में क्या है, फ्रॉड है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है, या सपरेशन ऑफ फैक्ट्स है, आपका केस 2017-18 से रिलेटेड नोटिस सेक्शन 74 में दे दिया है, तो भी वो बाय ऑल प्रैक्टिकल मींस इनवैलिड हो जाएगा द मोमेंट यू प्रूव कि आपका मैटर एक्सटेंडेड पीरियड का, यानी कि सेक्शन 74 का नहीं है। तो आपको 17-18 के किसी भी ऐसे नोटिस के अगेंस्ट आपके अगेंस्ट रिकवरी इनिशिएट नहीं हो सकती है।
तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया सेक्शन 73 और 74 की, आज की डेट की स्टेटस क्या है। अब आते हैं बात कुछ ऐसे क्रिटिकल इश्यूज जिनके ऊपर लेटली या तो डिपार्टमेंट ने कुछ क्लेरिफिकेशंस दिए हैं और या फिर कुछ ऐसी जजमेंट्स आई हैं अलग अलग कोर्ट्स की जो कि बड़ी रेलेवेंट हैं। तो मैं कुछ ऐसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स लेता हूं जो हम सबको जान के बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे, और ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो प्रैक्टिकली या तो मैंने पर्सनली फेस किए हैं अपनी प्रैक्टिस में और या से रिलेटेड। तो एक पर्टिकुलर केस में ओडिशा हाई कोर्ट का अभी जजमेंट आया है, बहुत रीसेंट जजमेंट है। उसमें क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ने ऑडिट कंडक्ट किया और ऑडिट कंडक्ट करने के बाद आपको पता होगा कि जो कमेंसमेंट डेट होती है, ये एक ऐसा इशू है जो जीएसटी ऑडिट में बहुत ज्यादा केसेस में प्रेवलेंट है। सेक्शन 65 के हिसाब से जब डिपार्टमेंट ऑडिट इनिशिएट करता है तो उसमें एक टाइम लिमिट दी हुई है। वहां वो कहते हैं कि जिस दिन ऑडिट इनिशिएट हो जाएगा उसके बाद विद इन 3 मंथ्स आपको ऑडिट खत्म करना है, और अगर किसी रीजन से ये खत्म नहीं हो सकता 3 महीने में तो आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी है, जिसमें फर्दर एक्सटेंशन हो सकती है अप टू 6 मंथ्स इन एडिशन टू द ओरिजिनल 3 मंथ्स पीरियड, बट दैट कैन ओनली हैपन विद द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये जो इनिशिएशन है ये रिकॉर्ड पे आता ही नहीं है। इनिशिएट कब होती है ऑडिट, इसको भी डिफाइन किया है लॉ में, लिखा है कि जब सारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर मिल जाएंगे उस दिन से ऑडिट इनिशिएटेड माना जाएगा। मेजर केसेस में क्या होता है कि डिपार्टमेंट कभी एंडोर्स ही नहीं करता या एक्नॉलेज ही नहीं करता कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन है वो आ गई है, इसलिए ये रिकॉर्ड पे डेट एस्टेब्लिश ही नहीं होती कि इनिशिएट कब हुई ऑडिट। अब क्योंकि इनिशिएशन का ही नहीं पता तो क्लोजर का पता कैसे लगेगा कि 3 महीने कब खत्म हो रहे हैं। तो उड़ीसा हाई कोर्ट का ये ब्यूटीफुल जजमेंट जो है वो इसी मैटर पे आया है। उसमें क्या हुआ कि एक ऑडिट टीम ने ऑडिट किया और उनको ये लगा कि, ये मैं बता रहा हूं जब ये जो लेटेस्ट एक्सटेंशन है वो नहीं आया था 2000 जो सितंबर से दिसंबर के पीरियड तक शो कॉज नोटिस का 3 महीने का एक्सटेंशन आया है ये नहीं आया था, तो उनके लिए शो कॉज नोटिस इश्यू करने की आखिरी तारीख हो गई थी 30 जून, क्योंकि 30 जून तक आप अगर नोटिस इश्यू नहीं करेंगे तो ये आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ कि ऑडिट टीम ने एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई और वो ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने बिल्कुल लास्ट डेट पे 30 जून को ही सबमिट करी एसएससी को, और एसएससी को कोई मौका नहीं मिला उस ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट पे अपना कोई कमेंट देने का या कुछ भी रिवर्ट करने का। और क्योंकि उनके पास आखिरी दिन था तो डिपार्टमेंट ने उसी दिन फाइनल ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर दी बिना एसएससी को ये मौका दिए कि वो उसका रिप्लाई करे। तो एसएससी हाई कोर्ट में पहुंच गया उड़ीसा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के साथ कि ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, आपने मेरे को मौका नहीं दिया। अच्छा, ये लॉ में लिखा हुआ है कि विद इन 3 मंथ्स आपको ऑडिट कंप्लीट करना है और उसकी अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको है टैक्स पेयर या एसएससी के साथ, और जैसे ही आप वो शेयर करेंगे उसके बाद में उसको एक राइट है आपको फीडबैक देने का, अपना रिस्पॉन्स फाइल करने का कि उसने जो जो आपके ऑब्जेक्शंस है उसके ऊपर उसका क्या व्यू है या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है उसके पास, उसके बेसिस पे आप एक फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। तो इस केस में दो गड़बड़ियां हुई। पहला, ऑन रिकॉर्ड फाइल पे डेट क्या है कि कब कमेंस हुआ था, तो एक डेट बताई गई कि हमने जो ये ऑडिट है वो 22 मार्च को इनिशिएट किया था और ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन इन्होंने दी वो 30 जून की तारीख थी। तो पहला इशू इसमें ये रेज किया गया कि आपने ये ऑडिट कमेंसमेंट के बाद जो 3 महीने का मैक्सिमम पीरियड होता है उसके दौरान आपने ये ऑडिट कंप्लीट ही नहीं किया, इनफैक्ट 8 दिन ऊपर हो गए।
तो पहली बात, ये ऑडिट रिपोर्ट ही नल एंड वॉइड होनी चाहिए। ये जो पिटिशनर था उसका पहला आर्ग्यूमेंट था कि एक ऑडिट रिपोर्ट जो कि 3 महीने में खत्म होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। नंबर टू, जो टैक्स पेयर है, एसएससी है, उसको कोई मौका नहीं मिला जो लॉ में लिखा हुआ है हाईकोर्ट ऑफ उड़ीसा का। इसमें दो उन्होंने कमेंट्स दिए। पहला, उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेजेंटली ये ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लॉ है, क्योंकि 3 महीने में ये खत्म ही नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। उन्होंने डायरेक्शंस दिए कि पहले कमिश्नर से इसकी एक्सटेंशन का अप्रूवल आना चाहिए। तो पहला बात ये कि डिपार्टमेंट को उन्होंने ये इंस्ट्रक्ट किया कि आप कमिश्नर से लीजिए, अगर वो अप्रूवल आपको मिल जाती है तो आप यही ऑडिट रिपोर्ट एसएससी को दीजिए और एसएससी को एक रीजनेबल टाइम दीजिए उसके ऊपर रिवर्ट करने का, जब आप एक फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। और वो फाइनल रिपोर्ट भी जो गिवन टाइमलाइंस हैं, जो लॉ के अंदर गिवन टाइमलाइंस हैं, उसके हिसाब से ही इशू होनी चाहिए। अगर उससे लेट हो गई तो हम उसको नल एंड वॉइड मानेंगे। और अगर कमिश्नर ने इस केस में अप्रूवल देने से ही मना कर दिया तो हम आपकी इस रिपोर्ट को नल एंड वॉइड मानेंगे और इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन आप लोग जस्टिफेबली नहीं ले पाएंगे। तो ये हाईकोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। हम सब के लिए इसमें लर्निंग क्या छुपी हुई है? पहली लर्निंग कि जब हम अपने आप को ऑडिट के लिए डिपार्टमेंट के सुपुर्द करें तो ये हमेशा नोट होना चाहिए कि ऑडिट का कमेंसमेंट डेट क्या है, और ये कमेंसमेंट डेट हम डिपार्टमेंट से इंसिस्ट करके भी ले सकते हैं, और फिर कोशिश करें कि उसको जो गिवन टाइमलाइंस है उसके अंदर 3 महीने में वो खत्म हो। और अच्छा, इस ऑर्डर में एक छोटी सी गलती रह गई है कोर्ट से, शायद उन्होंने इस बात को गौर नहीं किया। 30 दिन का जो पीरियड दिया है लॉ में, वो इस बात के लिए है कि ऑडिट खत्म करने के बाद उनको ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए 30 दिन का टाइम मिलता है डिपार्टमेंट को। कोर्ट ने ये समझा कि ये 30 दिन का टाइम जो है वो एसएससी को दिया जाना चाहिए रिपोर्ट देख के उसके कमेंट लेने के लिए, कि आपको 30 दिन मिलेंगे इसका कमेंट लेने के लिए। अनफॉर्चुनेटली लॉ में एसएससी को कितना टाइम मिलना चाहिए ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट ने 3 महीने में ऑडिट खत्म किया, उसके बाद फर्दर 1 महीना लगा के उसका ऑडिट रिपोर्ट बनाया और टैक्स पेयर को दिया, तो वो ये भी कह सकते हैं कि आप अपने कमेंट्स जो हैं वो 1 हफ्ते के अंदर दीजिए, क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं है इसको क्लोज करने के लिए। तो लीगली आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे इससे ज्यादा टाइम चाहिए। आप ऑफ कोर्स आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पर लॉ में कहीं ऐसा बाइंडिंग प्रोविजन नहीं है कि कितने टाइम तक आप रिवर्ट कर सकते हैं। और इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैंने फेस किया, अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे उड़ीसा हाईकोर्ट का जजमेंट, बट जो एक प्रैक्टिकल केस अभी हमारे सामने आया वो बड़ा, थोड़े से फैक्ट्स अलग हैं बट अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है उसमें भी। वहां पे क्या हुआ कि ऑडिटर ने ऑडिट कंप्लीट किया और एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट दे दी। बहुत बड़ी कंपनी है, उसको उन्होंने कहा कि भाई साहब 3 दिन के अंदर आप अपने कमेंट्स दीजिए। टैक्स पेयर ने कहा कि 3 दिन में इतने बड़े सिस्टम में से सारा डेटा निकाल के आपकी ऑब्जर्वेशंस का जवाब देना ये अनरिस्पॉन्डेड नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने 5 दिन में आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ जो ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली थी उसको रिबट कर दिया, उस पे अपने जो भी रिस्पॉन्स थे वो फाइल कर दिए विद इन नेक्स्ट 5 डेज। लेकिन वो कंप्लीट डेटा नहीं था, बैकडप नहीं था, उसके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। तो ज्यादातर जितने भी ऑब्जर्वेशन के जवाब उन्होंने दिए थे उनको डिनाई करते हुए, हालांकि रिकॉर्ड पे लिया कि हमें ऑडिट रिपोर्ट का रिस्पॉन्स मिला है लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्शंस उन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट में इशू किए थे वो सारे के सारे फाइनल रिपोर्ट में एज इट इज उन्होंने छाप के रिपोर्ट इशू कर दी ऑन टॉप ऑफ इट। और उसमें बड़े एब्सर्ड तरीके के ऑब्जेक्शंस हैं। टोटल मान लीजिए 120 करोड़ की डिमांड है, तो उसमें से 80 करोड़ की डिमांड ऐसे इश्यूज पे रेज की गई है जो कि इररिलेवेंट है टोटली। तो मैं आपसे एक इश्यूज पे शेयर करता हूं
वो ये कि एक कंपनी के मल्टीपल लोकेशंस पे ऑफिसेज हैं जिसकी ऑडिट हुई, और वो एक दूसरे के साथ जो ब्रांचेज हैं अलग अलग स्टेट्स में उनके साथ नॉर्मली ट्रांजेक्ट करते रहते हैं, कभी कोई माल सप्लाई करते हैं पैसा आता है, कभी उनसे सप्लाई ले लेते हैं और पैसा दे देते हैं लाइकवाइज। तो जो 31 मार्च 2018 को इंटर कंपनी बैलेंसेज आ रहे थे उनके अकाउंटिंग सिस्टम में, उसको भी डिपार्टमेंट ने ऑडिट करते हुए ये माना कि जो जितना बैलेंस आपका आ रहा है ये अनटैक्स, इस पे टैक्स पेड ही नहीं है, तो क्यों ना इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज कर लिया जाए। जबकि जब आप नॉर्मली ट्रांजेक्शन करते हैं, आपने कोई माल भेजा या कोई माल रिसीव किया तो उसी के ऊपर तो टैक्स लगेगा। क्लोजिंग बैलेंस बिटवीन टू ब्रांचेस कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ जीएसटी, बट दैट इज वन ऑफ द पॉइंट ऑन विच दे हैव रेज्ड डिमांड ऑफ विच इज रनिंग इन टू फ्यू क्रोर्स। सो इस तरह के एब्सर्ड ऑब्जर्वेशंस के साथ उन्होंने रिपोर्ट दिया, फिर 5 दिन के अंदर उसका रिवर्ट मांगा, और वो रिपोर्ट रिवर्ट आधा अधूरा सबमिट हो गया, जिसके बाद रिपोर्ट को कंफर्म कर दिया गया, और अब उस रिपोर्ट के एवज में फाइनली एक शो कॉज नोटिस भी आ गया है जिसको आपको एडजुडिकेट कराना है। तो ऐसे केसेस में जो आपको बिल्कुल लगता है कि ये अनबायस्ड, सॉरी ये बायस्ड जजमेंट्स हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, एकदम शो कॉज नोटिस जो है वो अनरूली शो कॉज नोटिस है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको डेफिनेटली कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, खास तौर पे जहां आपके स्टेट्स बहुत हाई हैं और आप को लिटिगेशन कोस्ट जो है उसके कंपैरिजन में वो बड़ी लिमिटेड है, तो हमें ऐसे केसेस को अग्रेसिवली हैंडल करना चाहिए। बट जो ऑडिट के मैटर्स हैं उनमें ये टाइमलाइंस और उनका प्रॉपर फॉलोअप डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है या नहीं हो रहा, इन चीजों को बहुत बारीकी से फॉलो करके हमें अपने रेस्पॉन्सेज बनाने चाहिए। तो ये एक जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस मैंने भी शेयर किया, या जो एक लेटेस्ट हाईकोर्ट जजमेंट है हमने उसके ऊपर बात की। और इसी तरह से मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं जो लेटेस्ट जजमेंट्स से ही ड्राइव होती हैं। तो मान लीजिए कि एक केस में फेक इनवॉइसिंग के मैटर्स जो है वो आजकल बड़े आम हैं, बहुत सारे केसेस में ये सामने आ रहा है। तो अब एक रेसिपिएंट है जो अपने लेवल पे, उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है कि मैंने ये गुड्स या सर्विसेज रिसीव किए, पेमेंट जो है वो मैंने ऑन रिकॉर्ड किया, और जो भी उससे रिलेटेड मेरी सर्विस रिसीव करने की डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं या गुड्स रिसीव करने की डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उन सबको भी मैं सबमिट कर रहा हूँ। उसके बावजूद अगर आपका सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट होता है तो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। रिकवरी प्रोसीडिंग में आपको टैक्स जो भी आपने ITC क्लेम किया है, प्लस जो आपने इन एडिशन टू टैक्स जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल बनता है और जो उसके ऊपर एक मिनिमम पेनल्टी बनती है वो उसके ऊपर अप्लाई की जाती है। ये जनरली जो आपके मतलब DGGI से रिलेटेड या जो इन्वेस्टिगेशन एंटी इवेजन हो या GST इन्वेस्टिगेशन टीम हो, उन सभी केसेस में जनरली ये डिमांड किया जाता है कि आप एक तो टैक्स को रिवर्स कीजिए, एक उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो पूरी पे कीजिए, और फिर जो पेनल्टीज बनती हैं वो पे कीजिए। तो ऐसे केसेस में एक जेन्युइन कंसर्न, जहां आप एडमिट कर लेते हैं कि चाहे आप गलत नहीं हैं तो भी आप ये टैक्स रिवर्स करने को तैयार हैं, उसके साथ साथ आप पेनल्टीज उसके साथ आप इंटरेस्ट भी पे करने को तैयार हैं और पेनल्टी भी पे करने को तैयार हैं, आप डिपार्टमेंट से झगड़ा नहीं करना चाहते। लेकिन इसमें एक बड़ा मुद्दा ये आता है कि क्या आपने अगर ये सब एडमिट करके जमा करा दिया तो क्या इट लीड्स टू अ डिसअलाउंस इन द इनकम टैक्स ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे मैटर्स में ये कॉमन कंसर्न होता है कि ठीक है जी, जीएसटी का कलेक्शन गवर्नमेंट को नहीं हुआ, जो मेरा सप्लायर था उसने टैक्स जमा नहीं किया और उसके वजह से सरकार का नुकसान हो गया, तो ठीक है मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, मैं ये टैक्स जमा करा देता हूं। आपने टैक्स भी जमा करा दिया, इंटरेस्ट भी जमा करा दिया, लेकिन और पेनल्टी भी जमा कराने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का ये कंसर्न रहता है कि क्या इट विल लीड मी टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर डिसअलाउंग दिस एक्सपेंडिचर, बिकॉज वहां पे उनका कंसर्न और ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वहां अगर मेरा डिसअलाउंस हो गया तो जो आज की डेट में पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उतने बड़े हैं जो जीएसटी से भी कई गुना ज्यादा मेरी लाइबिलिटी वहां पे क्रिएट हो जाएगी। तो इसके बारे में जो अब तक की जितनी भी डिपार्टमेंटल पोजीशंस हैं या फिर जो हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है,
उसके बेसिस पे ये दोनों चीजें अनरिलेटेड हैं। हालांकि डिपार्टमेंट अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है तो उसके बेसिस पे इनकम टैक्स अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और इनकम टैक्स आपके अगेंस्ट उस तरीके की डिसअलाउंस इनिशिएट भी कर सकता है। बट डायरेक्टली एग्रीइंग टू पेइंग टैक्स अंडर जीएसटी डज नॉट लीड टू सिचुएशन दैट दी गुड्स और सर्विसेज वर नेवर टेकन और द सप्लाईज वर नॉट रिसीव्ड एट ऑल एंड दैट इज व्हाई दिस एक्सपेंडिचर शुड बी डिसअलाउड। दीज आर टू टोटली अनरिलेटेड थिंग्स। सो इन मैनी केसेस जीएसटी डिपार्टमेंट हैज रिकवर्ड टैक्सेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड इन सर्टन केसेस पेनल्टीज ऑल्सो। लेकिन उसके बावजूद भी वो इनकम टैक्स तक मैटर जो है वो रेफर नहीं होते या एज इट इज इनकम टैक्स वाले उसके बेसिस पे 148 नहीं करते या रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट के केसेस एज सच नहीं करते। ऑन टॉप ऑफ इट एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने प्रैक्टिकली लर्न की वो ये है कि अगर आपने 15% पेनल्टी भी जमा करानी है मान लीजिए तो भी आप जो टैक्स जमा कराएं वहां पे आप सेक्शन 73 ही मेंशन करें कि मैं वॉलेंटरीली जमा कर रहा हूं एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट और सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने DRC 03 में जो पेमेंट किया है वो 73 में किया है या 74 में किया है। उनको दो ही बातों से फर्क पड़ता है, एक कि क्या आप 15% की पेनल्टी जमा कर रहे हैं और दूसरा कि आप ये एडमिट कर रहे हैं कि आप इसके अगेंस्ट ये पैसा जो है वो आप अंडर प्रोटेस्ट जमा नहीं कर रहे और इसके अगेंस्ट आप कोई अपील नहीं करेंगे। ये दो मेन कंसर्न होते हैं उनके। तो मेरे ख्याल से एक प्रैक्टिकल सजेशन जो मैंने लर्न किया ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस इज कि आप बेशक टैक्स जमा करा दीजिए लेकिन टैक्स जमा कराते वक्त सेक्शन आप 73(5) ही यूज कीजिए। 74 यूज करने से आपका अपना ही केस कमजोर हो जाता है जिसमें आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एडमिट कर रहे हैं कि आप इस फ्रॉड में या विलफुल मिसस्टेटमेंट में या सप्रेशन में इन्वॉल्व थे। तो दिस इज नंबर वन। एंड सेकेंड विच इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि अगर आपकी सप्लाईज किसी टोटली फेक एंटिटी से आई है जो कि 100% फेक ट्रांजेक्शन में ही डील करता है वर्सेस एक आपकी सप्लाईज ऐसी किसी सप्लायर से आई है जो 100% फेक नहीं है, एक एग्जिस्टेंट सप्लायर है जिसकी बहुत सारी जेन्युइन सप्लाईज भी हैं बट उसके साथ साथ कुछ इनजेन्युइन सप्लाईज भी हैं, तो इन दोनों केसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। खास तौर पे जो जो एक मिक्स्ड सप्लायर है जो जेन्युइन और इनजेन्युइन दोनों तरीके की सप्लाईज कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जनरली कैंसिल नहीं करता। बैक डेट तो छोड़िए वो करंट डेट से भी नहीं करता, वो ऑनगोइंग सप्लायर का स्टेटस उसको दे के रखता है और उसके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग या उसके अगेंस्ट पेनल्टी प्रोसीडिंग जो सप्लायर होता है उसके अगेंस्ट इनिशिएट करता है। ऐसे केसेस में एज ए रिसिपिएंट आपका केस मच स्ट्रॉन्गर होता है और ऐसे केस में आप 74 की पेनल्टी वेवर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में सीखा वो ये है कि आप जरूरी नहीं कि हर केस में 15% पेनल्टी जमा कराएं। जब आप टैक्स और इंटरेस्ट जमा कर देते हैं तो कमिश्नर या डीजी के पास पावर होती है कि वो आपकी पेनल्टीज को वेव कर सके। तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप अपना पक्ष रखते हुए एक सबमिशन डिपार्टमेंट को जरूर दीजिए कि ये मेरा जो केस है वो 74 का केस नहीं है, ये 73 का केस है और मैंने जेन्युइन सप्लाईज लिए थे लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ बाइंग पीस एंड नॉट गेटिंग इनटू एनी लिटिगेशन विद द डिपार्टमेंट मैं ये टैक्स जमा कर रहा हूँ और उसके साथ जो ब्याज है वो भी जमा कर रहा हूँ बट आप मेरे को पेनल्टी कम से कम वेव करिए। तो ऐसे कुछ प्रेसिडेंसेस हैं, ऐसे कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं जहां अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर जिनके पास अप्रूवल जाती है फाइनली वो लोग इसको कंसिडर करते हैं और जेन्युइनिटी बेसिस पे बहुत सारे सिचुएशंस में पेनल्टी वेव भी होती है। तो इस बात को हमें बहुत प्रोमिनेंटली ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे पेनल्टी वेवर के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए जहां कहीं भी पॉसिबिलिटी नजर आती हो। सर राजेश सर बीच में कुछ क्वेरीज हैं तो क्वेरीज साथ साथ डिस्कस कर लें या एंड में करें? मिल नहीं रहा। जैसे आपकी भाई साहब इच्छा हो वैसे करो सर, एज यू विश सर। जी ओके तो एक दो ही है सर बीच में टेकअप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जी जी एक क्वेरी इनफैक्ट यहां लिखा है करंटली देर इज नो गुड एडजुडिकेशन सिस्टम इन जीएसटी
then this means SSC should reach high court via writs. मतलब मैं इस बात से हाफ कन्विंस्ड हूं, बहुत सारे जगहों पे प्रॉपर एडजुडिकेशन और परफेक्ट एडजुडिकेशन भी हो रही है सर, लेकिन जीएसटी में जो सबसे बड़ा फॉलबैक है वो ये कि ये एक ऐसा लॉ है जिसको एडमिनिस्टर करने के लिए अलग अलग एजेंसीज हैं। मोर इम्पोर्टेंटली कुछ सेंट्रल एजेंसीज भी अपना काम कर रही हैं और कुछ स्टेट एजेंसीज भी अपना काम कर रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एडजुडिकेशन सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट है और स्टेट का काफ़ी डिफरेंट है, और इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस भी चाहे वो स्टेट्स हो उनके अलग हैं और जो सेंटर है उनके अलग हैं। तो आई विल नॉट से कि हर जगह पे एडजुडिकेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, बहुत सारे केसेस में बड़े अच्छे से भी हो रहा है, बट कुछ स्टेट स्पेसिफिक ऐसी इंस्टीट्यूशन जरूर हैं जहां पे आपको ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे लगता है कि सेंटर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे कंपैरेटिवली बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है और बेटर एडजुडिकेशन मैकेनिज्म है। सेंटर स्टेट्स में क्योंकि उनके लिए ये सब्जेक्ट मैटर नया है, जीएसटी इज मोर बेस्ड ऑन सर्विस टैक्स रादर देन ऑन द वैट लॉज, और देन दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि जो स्टेट एजेंसीज हैं वो दे आर नॉट वेल इक्विप्ड एट मेनी प्लेसेस एंड प्रोबेबली दैट इज व्हाई एजुडिकेशन में प्रॉब्लम्स हैं। पर हाँ सर, ये बात फैक्ट है कि जहाँ कहीं आपको एजुडिकेशन से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो डेफिनेटली यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू गो टू द हाई कोर्ट फॉर इट, एंड स्पेसिफिकली टिल द टाइम यू डू नॉट हैव अ ट्रिब्यूनल ऑल्सो इन प्लेस। तो अगर आपको डिपार्टमेंट का अपना इंटरनल सिस्टम से कोई चीज जस्टिफाइबली नहीं मिलती है तो देर इज नो अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर रिट एप्लीकेशन ओनली। पेमेंट अंडर, अगला पॉइंट है पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट, कैन इट बी डन थ्रू DRC 03? सर, पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट का एज सच कोई एक डिफाइंड मैकेनिज्म नहीं है लॉ में, एज सच कहीं पे भी ये डिफाइंड नहीं है, बट एज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड एज एनी पार्ट ऑफ एनी टैक्सेशन लॉ फॉर दैट मैटर, येस डेफिनेटली यू कैन मेक पेमेंट थ्रू DRC 03 अंडर प्रोटेस्ट, एंड यू हैव एवरी राइट टू लिटिगेट योर केस एट अ लेटर स्टेज इफ यू फील दैट द टैक्स वॉज नॉट टू बी डिपोजिटेड बट यू डिपोजिटेड अंडर प्रेशर और अंडर कोएर्सिव सर्कमस्टेंसेज और वट एवर द रीजन इज। बट इससे सर, इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपको अंडर प्रोटेस्ट टैक्स क्यों जमा करना है, क्योंकि न्यूमरस जजमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कोर्ट एंड स्पेसिफिकली सम सर्कुलर्स ऑफ द बोर्ड एज वेल बहुत क्लियरली कहते हैं कि आपको टैक्स जमा करने के लिए कोई भी आदमी प्रेशराइज नहीं कर सकता। व्हाट दे कैन डू इज दे कैन रन देयर इन्वेस्टिगेशन, उसमें आपको कोऑपरेट करना है, जो डेटा डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए वो आपको प्रोवाइड करना है। हाँ, एक केस ऐसा है जो जनरली लॉ में जिस तरह का प्रोविजन है कि अगर 5 करोड़ से ज्यादा का एक पर्टिकुलर केस में टैक्स इविजन है और वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आता है तो वहां पे एक डर जो अरेस्ट का डर होता है उसको देखते हुए बहुत सारे लोग टैक्स जमा कराते हैं और वो शायद एक अंडर प्रोटेस्ट टैक्स जमा कराने का परफेक्ट सिचुएशन हो सकता है। बट अदर देन दैट, इफ इट इज ओनली अबाउट अ मेयर फैक्ट ऑफ सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड द टैक्स पेयर, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सिचुएशन में आपको अंडर प्रोटेस्ट टैक्स जमा करने की जरूरत है, क्योंकि नेचुरली लॉ में ऐसा प्रोविजन ही नहीं है कि आप अगर किसी चीज से कन्विंस नहीं है तो आप उसका टैक्स जमा कीजिए। और ये बड़ा क्लियर है बहुत सारी जगहों पर कि कोई भी कोएर्सिव एक्शन आपके अगेंस्ट इसलिए नहीं हो सकता कि आप टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी टैक्स रिकवरी या डिमांड जो भी है वो इस्टेब्लिश हो जाए। अगर वो इस्टेब्लिश हो गई तो आपके पास एपीलेट मैकेनिज्म होता है, आप अपील में जा सकते हैं और उस अपील में जो भी एक स्टैंडर्ड डिपॉजिट्स हैं वो 10% हो या 20% हो, वो आप प्री डिपॉजिट जमा कीजिए और आप अपील फाइल कीजिए। बट हैविंग सेड सो, टू आंसर योर क्वेरी, येस DRC 03 इज अ परफेक्ट डॉक्यूमेंट टू डिपॉजिट एनी टैक्स अंडर प्रोटेस्ट एंड क्लेम अ रिफंड फॉर द अमाउंट एट अ लेटर स्टेज, अगर आपके फेवर में कोई केस डिसाइड होता है तो। आंसर इज येस, इन अवर केसेज हैज बीन सेंट टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 148 एंड वी फॉट इट थ्रू रिट्स। सो अगेन, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि अगर 74 का कोई मैटर है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेफर हो सकता है, अगर वहाँ होता है तो एक सेपरेट प्रोसीडिंग अंडर 148 भी हो सकती है, और नेचुरली उसके आउटकम्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि आपका केस में क्या मेरिट्स हैं और क्या मेरिट्स नहीं हैं।
So obviously, it goes without saying. मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा सर, मैं एक दो और अच्छे से केसेस निकाल लूँ इतनी देर में। हाँ, एक और बड़ा अच्छा मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है सर, नितेश जैन मंगलचंद वर्सेस द सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। और इसमें बेसिक, और ये भी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो काफी जगह पे होती है। यहाँ पे क्या हुआ है इस पर्टिकुलर केस में कि सेक्शन 83 में एक ऑर्डर पास हुआ जिसको हम और प्रॉपर्टीज या कोई एसेट्स अटैच की जा सकती हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज सम रेवेन्यू लीकेज एंड ये जो पैसा है वो सिफोन हो सकता है, डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जो है वो इससे अनजस्टिफाइबली डैमेज हो सकता है। सो अंडर दो सर्कमस्टेंसेस अंडर सेक्शन 83 देयर इज अ प्रोविजन फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर टू बी इश्यूड बाय द कमिश्नर, जिसमें कि आपकी एसेट्स इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस को अटैच किया जा सकता है। बट ये प्रोविजन एक अपने आप में एक प्रोविजनल अटैचमेंट है, ये इट कैनॉट बी ए परमानेंट अटैचमेंट। तो ये जो केस था जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, नितेश जैन मंगलचंद वर्सेस द सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ डीजीजीआई, तो ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें इशू ये था कि 4 साल तक प्रोविजनल अटैचमेंट चलती रही और कोई शो कॉज नोटिस इशू ही नहीं हुआ। एक जीएसटी डिपार्टमेंट का जो डीजीजीआई विंग होता है, इंटेलिजेंस विंग होता है, उन्होंने एक कहीं पे सर्वे किया या सर्च किया और उसके एवज में जो भी उनको मटेरियल मिला उसके बेसिस पे उन्होंने अटैचमेंट का ऑर्डर इशू कर दिया, प्रोविजनल अटैचमेंट का। बट वो प्रोविजनल अटैचमेंट जो था उसके अगेंस्ट कोई भी शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ 4 साल तक। तो जो प्रोसीडिंग हुई वो अंडर द कारपेट ही थी। तो हाई कोर्ट में रिट लगाई गई तो हाई कोर्ट ने कहा कि देखो ये एक प्रोविजनल अटैचमेंट है, फॉर द टाइम बीइंग होता है, एंड डिपार्टमेंट कैन नॉट जस्ट लीप ओवर सच अ मैटर। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई प्रोविजनल अटैचमेंट हो गया है तो या तो टाइमली एक्शन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इशूइंग अ शो कॉज नोटिस एंड डूइंग इट अ प्रॉपर एडजुडिकेशन, अदरवाइज विदाउट एस्टेब्लिशिंग अ डिमांड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एन इंक्वायरी और आपका कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे आपके पास मटेरियल आ गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एंडलेस टाइम तक के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट को कंटिन्यू करेंगे। आपको उस अटैचमेंट ऑर्डर को खत्म करना ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली ऑर्डर इसी एसएससी के फेवर में था कि ऐसे केस में आपको अटैचमेंट एंडलेसली नहीं चला सकते आप, अदरवाइज आपको उसको विड्रॉ करना ही पड़ेगा और या फिर शो कॉज नोटिस इश्यू करके आपको डिमांड को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये एक कमेंट आया है प्रणव आर्या जी का कि प्रोविजनल अटैचमेंट कैनॉट बी फॉर मोर देन 1 ईयर। बिल्कुल सही है, लॉ में लिखा हुआ है कि प्रोविजनल अटैचमेंट मैक्सिमम 1 साल के लिए हो सकता है, बट प्रैक्टिकली आप देखेंगे सर तो मेरे ख्याल से 50-60% प्रोविजनल अटैचमेंट जो है वो आज भी 1 साल से ज्यादा उसमें चल रहे हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके पास लिटिगेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि एक बार अटैचमेंट हो गया तो नेचुरली आपको उसके लिए रेवोकेशन का ऑर्डर ही लेके आना पड़ेगा। बट आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है सर कि 1 साल का ही मैक्सिमम टाइम होता है इसमें। वाइल गोइंग एट पोर्टल फॉर फाइलिंग अपील इट रिक्वायर्स ऑर्डर नंबर विच इज नॉट अवेलेबल। परफेक्टली यही बात इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हुई थी और मेरे साथ भी प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ, 1 साल निकल गया, ना कोई शोकॉज नोटिस आया, ना किसी तरीके कोई एडजुडिकेशन हुआ और उसके बावजूद अटैचमेंट जो है वो कंटिन्यू करता है। तो ऐसे की है वो रिट में जाने का ही बचता है। उसके अलावा एक और अच्छा सा लेटेस्ट जजमेंट मेरे सामने आ गया है जो 2023 का ही है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सर, तो मैं इसकी कुछ लाइंस जो हैं वो वन ऑन वन पढ़ना चाहता हूँ। तो आप चाहें तो इस जजमेंट को नोट कर लीजिए। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ
भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ वर्सेस द कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स रांची, कैलकटा हाई कोर्ट का ये जजमेंट है सर, और 11 मई 2023 का एक लेटेस्ट जजमेंट है। हालांकि ये सर्विस टैक्स का है, बट दिस इज आई थिंक एज इट इज एप्लीकेबल ऑन द जीएसटी मैटर्स ऑल्सो। तो मैं इसके फैक्ट्स पढ़ता हूं पहले। ये कहता है भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ आर अ वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एजेंसी सर्विसेज मेनली टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। Appellant was registered and regular returns were being filed by them. Wages, EPF, ESI, bonus, gratuity, house rental allowance, etc. were not included in the taxable value by the appellant for service tax. On 9th October 2009, a show cause notice was issued demanding payment of service tax in the amount of ₹683,312 plus interest and penalty equal to the service tax in accordance with Finance Act 1994. And subsequently, the demand raised in the SCN was confirmed by the adjudicating authority via order and original dated 23 March 2010. And further, the same decision was held up upheld by the Commissioner Appeals. Thus, being aggrieved by the aforesaid order, the appellant filed an appeal before the CSTAT Kolkata. The CSTAT held that there is no mens rea to evade payment of service tax, and accordingly, impugned order are not sustainable and thus appeal is allowed. तो अब basically जो message है इस law इसको as a tool of litigation use करना चाहिए इस तरह के judgments को। तो ये judgment क्या बोलता है कि आपका जो intention to evade tax है वो इस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके लिए रेस्पॉन्सिबल या गिल्टी होल्ड नहीं किया जा सकता। जो काम अनइंटेंशनली हुआ है जिसमें मेंस रिया प्रूव नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक एग्जांपल कर रहा हूं। एक पर्टिकुलर केस में एक बिल्डर है जिसने एक अलग कंपनी बनाई हुई है जिसके थ्रू वो अपनी ही बनाई हुई बिल्डिंग का मेंटेनेंस करते हैं। तो उन्होंने 500 फ्लैट्स की एक सोसाइटी बनाई, उस सोसाइटी की मेंटेनेंस के लिए अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा हम जानते हैं आज की तारीख में मेंटेनेंस के लिए ज्यादातर जो नई सोसाइटीज बनती हैं उनमें एक प्री पेमेंट सिस्टम होता है कि आपके घर में एक मीटर लगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी हो या मेंटेनेंस के चार्जेस हो वो प्री पेमेंट बेसिस पे डिडक्ट होते रहते हैं। तो आप कूपन खरीदेंगे, एडवांस पेमेंट करेंगे और उसके अगेंस्ट आपको धीरे धीरे जो भी उनका मेंटेनेंस है पर मंथ वो डिडक्ट होता रहेगा और जो भी अदर चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी हुआ या जो भी और चार्जेस वो सब वहां से डिडक्ट होते रहेंगे। 2017-18 और 18-19 का फर्स्ट हाफ लगभग 15 महीने का टाइम इस एजेंसी ने एज यूजुअल सारा पैसा कलेक्ट किया, क्योंकि नेचुरली लोग एडवांस में पैसा देते हैं आपके पास और जैसे जैसे सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं तो टैक्सेबिलिटी सर्विसेज के ऊपर एडवांस रिसीव करने पे या फिर सर्विस प्रोवाइड करने पे विच एवर इज अर्लियर आ जाती है। तो इस केस में आप 15 महीने तक लगातार आप टैक्स पैसा कलेक्ट करते रहे और पैसा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है जो भी आपको प्री जो पेमेंट मिलती है जितने भी फ्लैट ऑनर्स हैं जो मेंटेनेंस की पेमेंट करते हैं वो नेचुरली आपकी एक तरीके से एडवांस पेमेंट होती है और उसमें टैक्स इंक्लूसिव होता है। तो अब लेकिन उनके अकाउंटेंट ने 15 महीने तक कोई रिटर्न ही जमा नहीं की और उनके पास ढेर सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ था। हर महीने उनके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कलेक्ट हो रहा था और पहले 9 या 10 महीने तक तो ITC का वैल्यू जितनी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनती थी उससे ज्यादा थी। तो ITC ज्यादा था, आउटपुट लाइबिलिटी कम थी, बट फॉर सम स्ट्रेंज reasons उन्होंने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया। 15 महीने के बाद में 2018 में GST डिपार्टमेंट की सर्च होती है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट देयर इज अ कंपनी व्हिच इज इनटू रनिंग बिजनेस बट दे हैव नॉट बीन डिपॉजिटिंग देयर रिटर्न्स फॉर लास्ट 15 मंथ्स। तो जब सर्च हुई उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ, मैनेजमेंट वॉज शॉक टू नो कि उनके अकाउंटेंट ने 15 महीने तक रिटर्न ही फाइल नहीं की। टोटल लाइबिलिटी ऑफ टैक्स जो थी वो करीब करीब 3 करोड़ रुपए की थी जिसमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा का ITC अवेलेबल था
और 40 से 50 लाख रुपए की कैश में टैक्स लाइबिलिटी बनती थी। जैसे ही मैनेजमेंट को पता चला, जब सर्च हुआ, उसके 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पूरे 15 महीने की रिटर्न्स फाइल करवाई और जो टैक्स का कैश बैलेंस था वो कैश का 40-50 लाख रुपए जमा करके बुक्स को रेगुलराइज कर दिया। उन्होंने डिपार्टमेंट को राइटिंग में ही लिख के दिया कि साहब, हमारी नोटिस में ही नहीं था कि हमारा अकाउंटेंट जो है वो रिटर्न जमा नहीं कर रहा है, एंड वी डिड नॉट हैव एनी रीजन टू बिलीव कि वो नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए ये मिस हुआ, और जैसे ही हमें पॉइंट आउट हुआ, हमने ये सारा पैसा जमा कर दिया। ये मैटर यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद 2022 में, यानी कि 2018 में सर्च होती है। सर्च के 10 दिन के अंदर अंदर सारी रिटर्न्स फाइल होके, पेमेंट होके चीजें रेगुलराइज हो जाती हैं। उसके बाद आगे के सारे पीरियड्स में बिल्कुल रेगुलर रिटर्न फाइलिंग हो रही है। 2022 में अचानक डिपार्टमेंट जगता है और वो सेक्शन 122 की पेनल्टी इंपोज कर देता है। आप सुनते रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है ये। सेक्शन 22 में, 122 में एक जगह प्रोविजन है कि अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं और उसको 3 महीने से ज्यादा पीरियड तक होल्ड करके रखते हैं, तो यू कैन बी हेल्ड लाइबल टू पे 100% ऑफ द टैक्स वैल्यू एज पेनल्टी अंडर सेक्शन 122। सो डिपार्टमेंट का एक नोटिस आता है ईयर 2022 में, आस्किंग फॉर 100% पेनल्टी ऑफ द फुल टैक्स वैल्यू, सेइंग कि आपने, ऑफ कोर्स वो लास्ट के 3 महीने जो कि अभी हमारे टाइम लिमिटेशन के अंदर थे, उन्होंने हटा दिए, लेकिन पहले 12 महीने जिसमें उन्होंने ये कहा कि आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया था, क्योंकि टैक्स वाज इंक्लूड द अमाउंट दैट यू वर चार्जिंग टू योर होल्ड करके रखा, और क्योंकि आपने अपने पास होल्ड करके रखा, तो जो 122 का प्रोविजन है वो साफ साफ कहता है कि आपके ऊपर 100% पेनल्टी इक्वलेंट टू द टैक्स लग जानी चाहिए। अब अगर मैं इसमें मेरिट्स पे बात करूं, मतलब अगर प्लेन लॉ की बात करूं, तो हाँ, ऐसा ही लिखा है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप कोई टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं और उसको 3 महीने के अंदर अंदर जमा नहीं कराते हैं, तो आपके ऊपर 122 की पेनल्टी इंपोज हो सकती है, जो कि 100% ऑफ द टैक्स इवेजन है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये जो केस है, इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो ये प्रूव करते हैं कि यहाँ पे कोई मैंसरिया नहीं था। नंबर वन, आपके पास 2.5 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, वो भी 15 में से 9 महीने तक रेगुलरली मेरी आउटपुट लाइबिलिटी जो है, जितनी टैक्स की बनती थी उससे ज्यादा मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल था। सो देर वॉज नो इंटेंशन टू इवेड टैक्स, देर कुड नॉट बी एनी इंटेंशन टू इवेड टैक्स इन दैट सिचुएशन, बिकॉज मेरे को कैश में टैक्स जमा करना ही नहीं है। तो अगर मैं रिटर्न नहीं भी भर रहा और मैं अपने ITC का कोई मिस अप्रोप्रिएशन या मिस यूज नहीं कर रहा, तो हाउ विल यू प्रूव एज डिपार्टमेंट दैट देर वॉज एन इंटेंशन टू इवेड टैक्स? बिकॉज जो ये सेक्शन है, ये भी कहता है कि अगर आप ऐसा इंटेंशन टू इवेड टैक्स के तहत करते हो, तो आपके अगेंस्ट ये पेनल्टी इन्वोक हो सकती है। दूसरी बात, जब सर्च हुई तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपने सब कुछ रेगुलराइज कर दिया, जो टैक्स का पेमेंट होना था वो टैक्स का पेमेंट भी हो गया। अगेन अ प्रूफ ऑफ बोनाफाइडी। मोर इंपोर्टेंटली, हाउ कम डिपार्टमेंट रियलाइज दिस आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 4 ईयर्स? 2018 सितंबर में आप सर्च करने आते हैं और उसका नोटिस जो है वो आप 2022 में इशू करते हैं, 4 साल के बाद, और उसके अगेंस्ट आप 100% टैक्स डिमांड करते हैं एज पेनल्टी, विच इज 3 करोड़ रुपीज टू अ टैक्स पेयर हु हैज डिपॉजिटेड एवरीथिंग 4 ईयर्स अगो एंड द मैटर वाज क्लोज्ड। आपको राइटिंग में सब कुछ लिख के दिया गया और रीजंस बताए गए, लेटर के अगेंस्ट कोई डिपार्टमेंट की इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, बट आज की डेट में एक शो कॉज है जिसको हम लिटिगेट कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली शो कॉज, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट ओनली शो कॉज, बट शो कॉज के बाद इसको उन्होंने कंफर्म भी कर दिया। सो नाउ इट इज अ कंफर्म डिमांड ऑफ पेनल्टी अगेंस्ट विच वी हैव फाइल्ड एन अपील बिफोर द फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी। सो आई वॉज सेइंग, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड दैट एवरी जजमेंट विच इज पास्ड बाई एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शुड क्लियरली मैंशन दैट द मेंसरिया वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एनी सॉर्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस और फॉर दैट मैटर सम एक्टिविटी विच लीड्स टू एन इंटेंशन ऑफ टू इवेड टैक्स। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी
लिटिगेशन के लिए कि अगर मेंसरिया प्रूव नहीं हो सकता तो उस केस में आप एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट है, ये भी बड़ा रीसेंट है, 3 अप्रैल 2023 कैलकटा हाईकोर्ट का जजमेंट है, जो बात करता है कि फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या ये जरूरी है और ये आपको कैरी करनी चाहिए। तो ये केस है जेके जैन बिल्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नॉर्थ बंगाल। इसमें ये कैलकटा हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, मैं इसका ब्रीफ आपको बता देता हूं। इसमें बेसिकली इस केस में क्या था कि एक पर्टिकुलर गुड्स का मूवमेंट हो रहा था और जो पर्सन कैरिंग दोज गुड्स था उसने उसके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ना तो उसके पास इनवॉइस की कॉपी थी, ना उसके पास ईवे बिल था, और जो भी और रेलेवेंट ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसके पास नहीं थे जब उसको रास्ते में रोका गया। तो क्वेश्चन ये आया कि क्या ये सब फिजिकल फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है या कि ये जरूरी नहीं है। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये ऑन डिमांड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना, प्रेजेंट करना रिक्वायर्ड है। आपको जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल फॉर्म में कैरी करें, रास्ते पे आपने किसी ने आपको रोका आप उसकी सॉफ्ट कॉपीज प्रेजेंट करें, लेकिन इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी कंसर्न्स अगर फिजिकल कॉपी की डिमांड की जाती है तो ऑन डिमांड फिजिकल कॉपी अवेलेबल कराई जानी चाहिए, लॉजिस्टिकल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए। कि मान लीजिए आप दिल्ली से बॉम्बे एक ट्रक जा रहा है और किसी ने कानपुर में उसको पकड़ लिया और वहां ये कहा कि आपका इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी दिखाओ, तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी में ये सब अवेलेबल है तो आप ओरिजिनल कॉपी देन एंड देयर नहीं दिखा सकते, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको फिजिकल कॉपी दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लाइबिलिटी है। तो वो आपको जब कभी आपका मैटर एडजुडिकेट हो रहा होगा उस टाइम पे दिखानी पड़ेगी, या किसी भी लिटिगेशन स्टेज पे आपको वो फिजिकल कॉपी दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका केस जस्टिफाइड नहीं होगा। बट इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कैरी दी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद दी मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ये जेके जैन बिल्टेक का केस था। सर हमारे पास कितना और टाइम है अभी? क्वेरी देख लो सर, कुछ हो तो 10-15 मिनट तो अपन कर ही सकते हैं, और 15 मिनट तो कर ही अच्छा सकते क्वेरीज हैं। क्वेरी कोई है नहीं? अभी मुझे कोई ऐसी दिखाई नहीं दे रही है सर, तब मैं एक और जजमेंट ले लेता हूं। दो क्वेरी हैं सर। एक सेकेंड। पेमेंट मेड बेस्ड ऑन नोटिस इशूड इन MOV 07, नाउ हाउ टू फाइल अपील एज नो ऑर्डर इशूड इन MOV 09। वेरी गुड क्वेश्चन सर। दूसरा कहते हैं ड्यूरिंग ऑडिट दी ऑडिट टीम इज क्रिएटिंग GST डिमांड ऑन द पर्सनल गारंटी प्रोवाइडेड टू द बैंक ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट डायरेक्टर्स डज नॉट चार्ज एंड चार्ज एनी फी और कमीशन ऑन प्रोवाइडिंग बैंक गारंटी। ये दोनों ही बड़े रेलेवेंट सवाल है सर, आई थिंक ये दो ही हैं। हाँ अभी तक दो ही है। जी सर, तो एक एक करके दोनों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं कि MOV 07 में एक नोटिस इशू हो गया जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट जमा कर दिया लेकिन आपको कोई फाइनल ऑर्डर ही नहीं मिला, तो आप उसके अगेंस्ट अपील में कैसे जाएंगे? तो ये बिल्कुल सही बात है सर, लॉ में ये लिखा हुआ है कि जब तक आपको एक ऑर्डर नहीं मिलता है तो उस ऑर्डर के सिवाय आप कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप अपील में चले जाएं। बट अगर ऐसा पैसा आपने कोई जमा किया है तो आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कीजिए। अगर मान लीजिए वो MOV 09 आपको नहीं दे रहे हैं तो आपने जो पैसा DRC के थ्रू जमा किया है उसके लिए आप एक रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए विद ऑल द फैक्ट्स अंडर मिसलेनियस कैटेगरी, जो अदर्स कैटेगरी होती है उसमें आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए कि मेरा पैसा मुझे वापस दिया जाए। अब क्या होगा कि वो पैसे उस ऑर्डर का रिजेक्शन आएगा, मतलब 99% चांसेस हैं कि आपने जो रिफंड एप्लीकेशन फाइल की है उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कोई रिफंड डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट
एक रीजंड ऑर्डर आ जाएगा जिसमें कि रिजेक्शन होगा आपके पैसे का। उस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कीजिए, वहां पे आप अपनी बात कह सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है, मतलब आई वोंट से दैट दिस इज टोटली अ लीगल प्रोसीजर। दूसरा ऑप्शन आपके पास रिट फाइल करने का हमेशा होता है कि अगर कोई आपके लीगल रेमेडी नहीं है तो आप हाईकोर्ट में जाके रिट तो कर ही सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका लोअर लेवल पे सेटल करने का है कि आप एक रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज जो यहां लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ऑडिट जीएसटी टीम हैज डिमांडेड टैक्स ऑन द पर्सनल गारंटीज प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर्स। और ये एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है, हर जगह पे ये इशू हो रहा है जहां पे ये बात आ रही है कि अगर मान लीजिए एक कोई कंपनी का डायरेक्टर है और वो कोई भी ऐसी सर्विस दे रहा है कंपनी को जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगी, और उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में कंपनी को टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये बहुत ही हाईली लिटिगेटिव मैटर है। मैक्सिमम कंपनीज ने इस तरह से कोई आरसीएम पेमेंट नहीं किए हुए हैं, और हो सकता है कि कोर्ट एक तरफा इस पे फैसला करें, बट मेरा कहना यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि ये कंप्लीटली रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन है उन सब कंपनियों के लिए जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट 100% एलिजिबल होता है। तो अगर मान लीजिए ऐसी कंपनी है जिसका आईटीसी 100% एलिजिबल है, तब तो आप इसको रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के मॉडल पे ही फाइट कर सकते हैं कि ये आरसीएम अगर नहीं भी पे हुआ तो इससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरा, इसकी वैल्यूएशन का क्वेश्चन जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हाँ कि किस बेसिस पे ये वैल्यू ड्राइव होगी कि जो डायरेक्टर ने एक गारंटी दी है उस गारंटी के अगेंस्ट क्या वैल्यूएशन हो जिस पे जीएसटी लगना चाहिए। तो आप अगर कोई नॉमिनल वैल्यू को कंसिडर करें जो कि इतनी कम है कि उसके ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो ये एक दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस हमारे लिए हो सकता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको सप्लाई ही चैलेंज कर दिया जाए कि ये सप्लाई ही नहीं है अपने आप में। अगर मान लीजिए मैंने किसी के बिहाफ पे कोई गारंटी दे दी है तो क्या ये सप्लाई है सही मायने में, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो टू आंसर योर क्वेरी, नंबर वन, डिपार्टमेंट एट अ यूनिवर्सल लेवल इज इशूइंग दीज काइंड ऑफ नोटिसेस। और ऑडिट में जैसे आपने कहा अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो हो सकता है शोकोज भी आए और शोकोज के बाद एडजुडिकेशन भी हो। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो यूनिवर्सली बहुत सारे ऑडिट्स में इशू हो रहा है, और सब जगह डिपार्टमेंट का यही व्यू है कि जो भी ऐसे गारंटीज दी हुई हैं उनके ऊपर आरसीएम लगना चाहिए। और नेचुरली आप डिपार्टमेंट के व्यू हैं, उन्होंने अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट में डाला है या वो शोकोज इश्यू करना चाहते हैं तो हमारे पास उसको डिफेंड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बट डिफेंड करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इक्वली गुड हैं बोथ साइड्स। डिपार्टमेंट का अपना व्यू है कि भाई विदाउट कंसिडरेशन भी फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन अगर आप कोई सप्लाई ले रहे हैं तो कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, उसके बावजूद वो टैक्सेबल हो सकता है। दूसरा, अगर वो टैक्सेबल हो सकता है तो किस वैल्यू पे होगा, तो आंसर ये है कि उसमें आपके वैल्यूएशन के रूल बने हुए हैं 27-28 जिसमें ये बताया हुआ है कि जहां कहीं इक्वल लाइक काइंड एंड क्वालिटी की कोई सर्विस या सप्लाई हो रही है तो उसकी वैल्यू उठा लीजिए। तो वहां पे वो बोलते हैं कि जनरली बैंक जब किसी को गारंटी इशू करता है तो उसके लिए जो चार्जेस लेता है वही चार्जेस क्यों ना हम इस गारंटी के लिए भी टैक्सेबल वैल्यू मान लें। तो ये सारी चीजें हैं जो लिटिगेशन का सब्जेक्ट है, बट इसका कोई वन साइडेड आंसर नहीं है सर। आप डिपार्टमेंट को अपने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं और उसके बाद अगर फिर भी लिटिगेशन होती है तो ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। उसके अलावा एक और नया कमेंट अभी आया है अंकुर जी का, जो कह रहे हैं थैंक्स अ लॉट सर, टुडेज सेशन इज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड यू एक्सप्लेन एवरीथिंग एक्सेप्शनली वेल। थैंक यू सर। ऑल्सो थैंक्स टू राजेश जी फॉर अरेंजिंग रेगुलर सेशन एंड मेकिंग अवेलेबल लर्नर्ड स्पीकर फॉर बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर्स। सो थैंक यू वेरी मच सर। और एक बात मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ बिफोर वी कंक्लूड द सेशन कि सर ये जो जितना भी हमारा इस तरीके की डिस्कशंस होती हैं और जो हम अपनी तरफ से तैयारी करते हैं, इसमें दो ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक, ये एक पैशन है अपने प्रोफेशन के लिए, और ये पैशन जो है वो दिनों दिन तब बढ़ता है जब आपके जैसे सीनियर मेंबर्स इस बात को कहीं अप्रिशिएट करते हैं। जैसे आपने ये जो चार लाइनें लिखी है ना, ये शायद मेरे लिए एक नेक्स्ट बूस्टर का काम करेंगी कि अगली बार, आज जैसे चार केसेस डिस्कस हुए हैं तो मैं कोशिश करूंगा अगली बार 10 अच्छे केसेस तैयार करके लाऊं। तो
तो नॉट ओनली फॉर मी, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, बट मेरा जो मैं उस जगह पे खड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग तैयारी करके और सबके साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, उनको एक प्रॉपर अप्रिसिएशन हर प्लेटफॉर्म पे मिलती रहनी चाहिए, जिसका रिजल्ट होता है कि वो लोग अगली बार और ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा तैयारी करके सबके बीच आते हैं. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रोफेशनल लोग जो हैं, सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए टाइम निकाल के कहीं ऐसी जगह ज्वाइन करते हैं और उसमें हमें वैल्यू एडिशन नहीं मिलता, तो देन इट इज अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट. बट आई एम श्योर कि अगर हम ये अप्रिसिएशन को खुले मन से करेंगे, तो जो भी आने वाला स्पीकर है, जो भी बताने वाला डेलीगेट है, वो अपनी तरफ से डबल मेहनत करके आएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि इतने सीनियर और लर्नर्ड लोग हैं, इनका एक एक मिनट बहुत कीमती है. तो इसको कोई फालतू भी डिस्कशन करके खराब करने का कोई सेंस नहीं है. सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच राजेश जी, एंड इट वॉज लवली एक्सपीरियंस बींग हेयर आफ्टर लॉन्ग टाइम. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार कभी जब मौका मिले तो एक फिजिकल सेशन कीजिए. बहुत टाइम हो गया पूसा रोड के मेंबर्स को मिले हुए. श्योर सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जैसे कि सितंबर में तो लोग ऑडिट में बिजी रहते हैं, तो वी प्रीफर वेबिनार इन द मंथ ऑफ सितंबर। और श्योर, आई अश्योर यू इन द नेक्स्ट मंथ सर्टेनली आई विल रिक्वेस्ट यू फॉर द सेमिनार। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर नाइस डेलीवरेशन ऑन द सब्जेक्ट, ऑन द लेटेस्ट जजमेंट एंड द अमेंडमेंट्स ऑल्सो। एंड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम you cleared all the doubts and accepted our invitation. For this, many many thanks to you sir, and certainly these 4 lines are also motivated to me and you also, and our members are not behind to always give remarks whenever we do good or something. And I'm also thankful to all the member who attended, and once again thank you very much sir, thank you सर sir. आई थिंक जैन साहब ने कोई एससी जैन सर हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है, अगर आप चाहें तो एक बार उनको अलाउ बिल्कुल करें. सर, बिल्कुल सर, आगरा से हैं ये जैन साहब, इनका एक बार अपन ले लेते हैं। जैन साहब आप बात कर रहे हैं? जैन साहब, हाँ नमस्कार साहब, मेरे को बड़ी खुशी है कि मैं भी इसे आपसे कहीं ना कहीं पड़ोस के नाते, एनसीआई के नाते आपसे जुड़ गया, और मुझे मैं सुना बड़ा अपडेट होने में बड़ा हेल्पफुल होती है आपसे, भले पूसा रोड हो या कोई हो. मैं सर ये पूछा था, जैसे कि जो है अगर हम सर्विसेज रेंडर ऑडिट करते हैं, ऑडिट के संग हम जो है टीए का बिल भी रेज करते हैं, जो कि अगर आगरा से बाहर का ऑडिट है, तो उसके ऊपर टीए बिल के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है? राजेश जी एक बार एक क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया सर ने क्या अच्छा पूछा. मनोज नहीं जी, जैसे मनोज जी ये कह रहे हैं साहब कि ये ऑडिट पे बाहर जाते हैं, और ऑडिट पे बाहर जाने के लिए जो अपने एक्सपेंडिचर होते हैं आउट ऑफ एक्सपेंडिचर, और जो टीए डीए जो भी होता है उसके ये बिल रेज करते हैं, तो होटल उसमें के फ्लाइट जीएसटी टिकट. लगेगा नहीं लगेगा? जी, मैं समझ गया सर. सर ये ना एक्चुअली सर्विस टैक्स के टाइम से ही ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे टाइम एंड अगेन बहुत सारी लिटिगेशन भी हुई है, बहुत सारी डिबेट हुई है. इसका आंसर सिंपल वर्ड्स में ये सर कि वैल्यूएशन के लिए ना सेक्शन 15 में लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन जो है या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो है उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ रिइंबर्समेंट्स एक्सेप्ट वन थिंग, जो जिसको हम कहते हैं प्योर एजेंट. तो ये बात आप हमेशा के लिए दिमाग में क्लियर कर लीजिए सर, कि जब हम एक सर्विस का कोई असाइनमेंट लेते हैं, तो आपको सर्विस दिल्ली में जाके देनी ही पड़ेगी, अगर वहां फिजिकल ऑडिट करने की या जाने की रिक्वायरमेंट है तो. और ये आपके प्रोफेशन का एक हिस्सा है, बिना आगरा से दिल्ली ट्रेवल किए आप अपनी सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकते. तो ये जितनी भी चीजें आप क्लेम कर रहे हैं, पैसा जो क्लाइंट से ले रहे हैं, ये एज अ पार्ट ऑफ योर सर्विस डिलीवरी ही है. दिस इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर कंसिडरेशन, एंड दिस हैज टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल सप्लाई वैल्यू. तो आप अगर कोई भी रिइंबर्समेंट बैंक से लेते हैं, किसी अपने क्लाइंट से लेते हैं, उसको जोड़ के ही हमेशा जीएसटी आपको चार्ज करना है, अनलेस कि कोई पैसा इस तरह का है जो कि आप सिर्फ उनके बिहाफ पे खर्च कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसको एज इट इज रिवर्स कर देंगे और ये हमारी लाइबिलिटी है, वही आइटम इससे आउट हो सकता है. अदरवाइज अरे बंद आपको मत जो भी करियो, रिइंबर्समेंट मिलेंगी सर, वो सब टैक्सेबल है, तो उनको जोड़ के ही बिल करना है आपको.
सर मेरी यह धन्यवाद सर। कनाड़ा बैंक में बात हुई, कनाड़ा बैंक वाले कहते हैं हम आपके ऑडिट के बिल पर जीएसटी नहीं देंगे, टीए बिल के ऊपर ऑडिट फीस पर दे देंगे, टीए बिल पर नहीं देंगे जीएसटी। बोले हम कोई सीए नहीं मांगता है, हम आपको क्यों दें, हमने बिल रेज कर दिया तो हम उनके बिल को रिवर्स कर सकते हैं क्या? अब बिल तो रेज कर दिया, नहीं सर, अब वो दे नहीं रहे हैं, तो अब वो जो है क्योंकि अमाउंट काफी 30-40 हज़ार रुपया है, अब उसको हम उस बिल को टीए बिल को रिवर्स कर दें, डेबिट नोट बना दो उसकी जगह। सर लीगली परमिसिबल नहीं है ये। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने रिस्क पे कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरली नहीं तो आपकी पेमेंट अटक जाएगी, और प्रैक्टिकल चीज जो है वो लीगल से बिल्कुल अलग है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप क्रेडिट नोट इशू करके एक डेबिट नोट दे दीजिए और उसपे चार्जेस जो भी आपके बनते हैं वो ले लीजिए। बट मेरा सजेशन ये है कि आप उसमें भी रिवर्स कैलकुलेट करके टैक्स जरूर जमा कराइएगा, अदरवाइज आज नहीं तो कल। हालांकि छोटा अमाउंट है बट फिर भी ये अमाउंट टैक्सेबल है, इसको आप तो एग्जेम्प्ट नहीं मान अगर सकते। बैंक बैंक मना करे बोले हम नहीं देंगे, बस उनका एक ही क्वेश्चन है, हम नहीं देंगे, हम नहीं, कोई सीए नहीं मांगता, आप कैसे मांग रहे हैं? नहीं जैन साहब, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं आपको केनरा बैंक के सेंट्रल स्टेचरी ऑडिटर का नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात गार्गल कीजिएगा और ये भी गारंटेड आपको मिलेगा और मिलना ही चाहिए। जैसा कि गोयल साहब ने भी कहा है, आपने राइटली थैंक बिल रेज किया है और आप यू मैम, एलिजिबल हैं उनसे जीएसटी लेने का। ऐसे तो हर कोई मना कर देगा कि मैं जीएसटी नहीं दूंगा, तो आप कब तक इसको डेबिट नोट इशू करके क्रेडिट नोट इशू करके करते रहेंगे? चलिए मैं भार्गव जी है उनसे एक बार, इनके भार्गव हैं कनाड़ा बैंक हाँ के भार्गव सेंट्रल साहब से, हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही पहचान गए। अरुण अग्रवाल जी भी हैं और भार्गव साहब भी हैं, दोनों हैं वहीं के। और मैं भी वैसे भाई साहब जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल जन्माष्टमी है। मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ चलो और आपके पड़ोसी हूँ जैन साहब मैं आपका। मैं कभी दिल्ली आऊंगा तो आपसे नमस्कार जरूर करूंगा। सर सर गुलाटी साहब की भी हैंड रेज किया है, गुलाटी साहब आप भी बात करो, क्या पूछना है गुलाटी साहब? गोयल साहब कैसे? गोयल साहब सॉरी गुलाटी साहब, गुलाटी साहब दोबारा पूछें जरा, गुलाटी साहब प्लीज, गुलाटी साहब अनम्यूट करें जरा। हाँ जी पूछें गोयल साहब, हमने कोई रिफंड अप्लाई किया था ड्यूरिंग सर। कोविड पीरियड के अंदर, तो उसके जी अंदर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ऑनलाइन कोई शो का नोटिस नजर नहीं आया, तो वी टॉक टू दिस पीपल, जैसे कि आप फिजिकल पेपर दे दो, तो वी आर जी सबमिटेड फिजिकल कॉपीज, बट दे से नो इट हैज टू बी फाइल्ड ऑनलाइन एंड दे आर रिजेक्टेड द केस। हमने उसकी अपील की जी, अपील वालों ने ये लिख दिया जी ऑनलाइन आपने पेपर सबमिट नहीं किया इसलिए हम रिफंड दिया, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया सर, जबकि उस टाइम नहीं कोविड टाइम था और कोई मतलब ऑनलाइन टेक्निकल इशू से नोटिस ही नजर नहीं आ रहे थे ऑनलाइन जी। नहीं एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि आपने फिजिकली रिफंड फाइल किया और ऑनलाइन नहीं नहीं एप्लीकेशन फाइल नहीं की? सर, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल की थी, दे हैव इशूड सम शो कॉज नोटिस टू ठीक सबमिट द है, बीआरसी कॉपीज, हाँ ठीक लेकिन वो है, तो नोटिस पोर्टल पे आ ही नहीं रहा था, हमें सिर्फ आपको मिला मेल आई नहीं? थी, ठीक और है मेल सर लेके हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करो मेल का रेफरेंस लिख के हमें फिजिकल कॉपी सबमिट कर दो, तो हमने जी, उनको सारी फिजिकल कॉपी सबमिटेड कर दी जी, ठीक है जी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ये नोटिस ऑनलाइन था, आपने ऑनलाइन डाला नहीं, तो उन्होंने हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ओके ठीक फिर हमने अपील की जी, तो है, अपील वालों ने भी सेम यही व्यू लिया जी कि आपने ऑनलाइन रिप्लाई नहीं दिया था इसलिए आपका ये रिफंड रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं ये तो सर एब्सर्ड है ये। हालांकि लॉ में ये लिखा हुआ था कि आपको जो ऑनलाइन जितनी क्वेरीज हैं उसका आपको ऑनलाइन जवाब देना है, बट अगर मान लीजिए किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में आपने वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वहां नहीं दे पाए आप, और आपने जी बाद में अपेलेट अथॉरिटी को दे दिया है, तो डेफिनेटली आपका रिफंड अप्रूव होना चाहिए सर। लेकिन अगर नहीं मान किया सर हमने। लीजिए अपेलेट अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया है, तो अब हाँ हमारे पास दो ही चॉइसेस हैं सर आज की डेट में, क्योंकि अपेलेट ट्रिब्यूनल है नहीं, तो आप जी ट्रिब्यूनल जी में जा नहीं सकते। या तो जी आप तब तक वेट कीजिए जब तक ट्रिब्यूनल बनती है, आपका केस टाइम बार नहीं होगा, आप ट्रिब्यूनल में जी जाके रिलीफ मांग सकते हैं, 100% आपको मिलनी चाहिए। और ठीक है दूसरी सर, बात है कि आपके पास एक तरीका है, अगर आपका पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है और आपको लगता है ट्रिब्यूनल बनने में टाइम लगेगा, तो आप हाईकोर्ट अप्रोच कर सकते हैं सर। बट यू हैव अ वेरी जेन्युइन केस सर, दोनों में जी से जी एक जगह जहां भी जाएंगे आपको रिलीफ मिलनी चाहिए सर। ठीक है सर, थैंक यू सर।